बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद एहतिशाम एंड यू आर वाचिंग सावरन स्वीट लाइफ। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ, अच्छी सेहत और खुशहाली अता करे, आमीन। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ आप तक बार बार पहुँचती रहें। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि मुझे फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होता है और आज मेरी छुट्टी का आखिरी दिन है। सुबह से इंशाल्लाह वर्किंग डे स्टार्ट है। तो आज जो है मौसम को देखते हुए कुछ मज़े का खाने को दिल कर रहा है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे मौसम की सूरत हाल, हल्के हल्के बादल आ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है और बहुत ही मज़े का मौसम है। तो ऐसे मौसम में घर बैठ के तो कोई बंदा नहीं खा सकता, तो मैंने ये सोचा क्यों ना आज डिनर फिर बाहर किया जाए और अपने आज के जो लास्ट छुट्टी है उसको दोबारा से इंजॉय किया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें और खाते हैं मज़ेदार सा डिनर। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का मौसम कितना खूबसूरत है। आपने देखा कितना खूबसूरत और कितना ठंडा मौसम है यहाँ पे, और ऐसे मौसम में आप खुद बताएं किसका दिल करता है कि घर बैठ के खाना खाया जाए। इसीलिए मेरा भी दिल चाह रहा है कि आज कहीं बाहर चलते हैं और कुछ मजे का खाते हैं। तो आइए मेरे साथ। आज मैं आपको डिनर के लिए शमसीन बेकर्स लेकर आया हूँ जो शारजा अल नहदा इतिहाद रोड पर वाकया है। शमसीन बेकर्स के नज़दीक आते ही खाने की मज़ेदार खुशबू आपको अपने गिर्द घेर लेती है और कदम खुद ब खुद शमसीन बेकर्स की तरफ उठने लगते हैं। शमसीन बेकर्स में दाखिल होते ही खूबसूरत मंज़र देखने को मिलता है। लेफ़्ट साइड पर अरेबिक स्वीट्स के डिस्प्ले काउंटर मौजूद हैं। इतनी खूबसूरत डेकोरेट की हुई अरेबिक स्वीट हर आने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ख़ूबसूरत दिखने वाली ये स्वीट अपने टेस्ट में कोई सानी नहीं रखती। और राइट साइड पर फ्रेश केक्स और पेस्ट्री के डिस्प्ले काउंटर्स मौजूद हैं जिनको देखते ही दिल ललचाने लगता है और दिल चाहता है कि सब आइटम्स खरीद ली जाएं। यहाँ फ्रेश बर्गर बंस, फ्रेश बिस्किट्स, फ्रेश ड्राई केक्स और फ्रेश अरेबिक ब्रेड दस्तयाब है जिनका इस्तेमाल अक्सर हल्के फुल्के नाश्ते के लिए होता है। और आप ये खूबसूरत ब्रेड तैयार करने वाला ऑटोमेटिक प्लांट भी देख सकते हैं जहाँ पे फ्रेश ब्रेड तैयार होकर पैक हो रही है। साफ सुथरे माहौल के साथ इनडोर डाइनिंग और आउटडोर डाइनिंग की फैसिलिटी भी मौजूद है और मैं आज आउटडोर डाइनिंग को प्रेफर करूंगा क्योंकि ठंडी हवा में पिज़्ज़े का लुत्फ और भी दुबाला हो जाता है। पिज़्ज़ा और चिकन चीज़ मनाकिश ऑर्डर करने के बाद अब हम चलते हैं और इंतज़ार करते हैं अपने ऑर्डर का।
कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है ये। चिकन पिज़्ज़ा तो बहुत खाया, आज हमने बीफ पिज़्ज़ा भी ट्राई किया और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। अब इसको खा के देखते हैं कि ये कैसा है। वाह, बहुत टेस्टी, यूनिक टेस्ट, और पिज़्ज़ा हट से बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत गाजर है, वाह जबरदस्त। चिकन चीज में नाप, वाह इंतहाई लाजवाब है, बहुत मज़े का, इंतहाई टेस्टी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और वीडियो के साथ साथ आपको पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक वक्त पर पहुँचती रहें। तो किसी नई जगह पर मिलते हैं इंशाल्लाह, नई किसी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त मोहम्मद इत्तिशाम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।